हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और चलिए वीडियो आज देखते हैं शब्द और विलोम का। कपटी। कपटी का विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है निष्कपट। जड़ का विलोम होता है चेतन। सहयोगी। सहयोगी का विलोम क्या है? प्रतियोगी। सृजन का विलोम क्या है? सृजन का विलोम है विनाश। पुरस्कार का विलोम क्या है? पुरस्कार का विलोम है तिरस्कार। गुरु का क्या होगा? गुरु का होगा लघु। उत्तरायण का क्या होगा? उत्तरायण का जो विलोम है ये है दक्षिणायन। और ये जो गुरु का है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। भूतकाल का होता है भविष्यत्काल। भूतकाल का विलोम क्या होता है? भविष्यत्काल। शोभनीय का क्या होगा? शोभनीय का होगा अशोभनीय। शोभनीय का विलोम होता है अशोभनीय। विस्तृत का विलोम क्या होता है? विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त। शिथिल का विलोम क्या है? शिथिल का विलोम है स्फूर्त। उसके बाद एक कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ। अधम का विलोम होता है उत्तम। न्याय का विलोम होता है अन्याय। कायर का विलोम होता है वीर। स्वाधीन का विलोम क्या होता है? पराधीन। अगला है उन्नति। उन्नति का विलोम होता है अवनति। तटस्थ का विलोम होता है आटस्थ। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। और नूतन का विलोम होता है पुरातन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नूतन, अनुराग भी और उन्नति, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप ध्यान से इनको याद कर लीजिए। तो दोस्त, ये हो गया वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।